दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ MIUI 9 के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं बताने वाला हूँ कि मुझे एक अपडेट आया है आज की। आज तारीख देख लीजिए आप, 25 अगस्त है। 25 अगस्त आज तारीख है। आज मुझे अपडेट आया है। ये अपडेट आया है 7.8.24, लेकिन यहाँ पे ऊपर में लिखा है MIUI 8.8। दोस्तों, मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आ रही है, MI ऐसा क्यों कर रहा है। MIUI 9 के बदले ये MIUI 8 कैसे दे सकता है हमें, ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। और ये इतना बड़ा अपडेट है 1.3 GB का। इसमें हाइलाइट्स क्या है देख लीजिए खुद ही। MI पिक्स गेट्स अ न्यू नेम एंड अ न्यू आइकन मीट्स एप्स। न्यू MI पिक्स गेट्स अ नेम एंड अ न्यू आइकन मीट्स एप्स, वही चीज है। लॉक स्क्रीन, स्टेटस बार, नोटिफिकेशन बार, पिक्स वॉलपेपर कैरोसेल, कुडेंट लोड ऑनलाइन रिसोर्सेज, अ प्ले स्टोर अपडेट वॉज रिक्वायर्ड। वही नीचे सेम कर दिया है। अदर MI पिक्स गेट्स अ न्यू नेम एंड अ न्यू आइकन मीट्स एप्स। ये क्या अपडेट है दोस्तों, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तब भी मैं कर रहा हूँ अपडेट, तब भी करूंगा मैं अपडेट। MIUI 9 में बेसब्री से इंतजार कर रहा था आज, लेकिन ये धोखा हो गया है। MIUI 8 का आ गया है अपडेट। ये कैसे मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, मैं फिर चेक करता हूँ अपडेट यहाँ पे MIUI फॉरम में, क्या सच में ऐसा क्यों कर रहा है वैसे MI, मुझे अभी तक समझ नहीं आ। रिफ्रेश करके देखता हूँ कोई पोस्ट आया है कि नहीं MIUI 9 के बारे में और Redmi 4। हाँ, एक चीज़, MI Max 2, MI Note 2 और हमारे जितने भी जो बेस्ट डिवाइस थे जैसे कि MI 6, उन सबको ये आ गया है अपडेट। देख लीजिए, मैं आपको फिर बताता हूँ कैसे मुझे पता पड़ा पता। देख लीजिए, सेकेंड बैच में Redmi 4 भी था हमारा इंडियन वर्जन। देख लीजिए, Redmi Note 4X, MI 6, Redmi Note 4, Qualcomm, MI Max, MI Max 2, MI Note 2, MI 5, MI 5S, MI 5S Plus। प्लीज क्लिक हियर टू डाउनलोड ऑल रोम्स। मैं इसमें भी किया हूँ, लेकिन तभी भी Redmi 4 का MIUI 9 वर्जन नहीं आ रहा है। मैं फिर चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिए, कंटिन्यू करता हूँ। मेरा अपडेट डाउनलोड हो रहा है। मैं अपडेट को तंग नहीं करना चाहता हूँ, तब भी मैं अपडेट कर रहा हूँ। आप ऐसा मत कीजिएगा, अपडेट शुरू है और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं। मैं रिस्क उठा सकता हूँ, आप मत उठाइएगा। और दोस्तों, इतना ही नहीं है, MIUI 9 के लिए हम बहुत महीनों से रुके हैं। Redmi 4 के लिए तो बहुत लोग रुके होंगे। मैंने पोस्ट भी किया है MIUI फॉरम में, आप मेरी पोस्ट देख भी सकते हैं। बस आपको MIUI फॉरम इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको ऐप को। क्या ये मतलब Redmi 4 के लिए धोखा हो गया है, तो नहीं हो रहा है वो। देख लीजिए, सेकेंड बैच ऑफ सपोर्टेड डिवाइसेस MI। और इतना ही नहीं, Redmi 4 देख लीजिए, Redmi 4 ये आप, Redmi 4 दिख रहा है आपको? Redmi 4, ये Redmi 4 हमारा सेकेंड बैच, सेकेंड बैच का ही है। सेकेंड बैच सपोर्टेड डिवाइस है Redmi 4। सेकेंड बैच हमारी कहाँ खत्म हो रही है? ये इधर खत्म हो रही है सेकेंड बैच हमारी, इधर इधर यहाँ तक के Redmi 4 था, लेकिन मिला ही नहीं उसको अपडेट। क्या करना है अभी दोस्तों? इस वीडियो में मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला करने करूंगा ज्यादा बात नहीं करने वाला था, लेकिन थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप चाहते हैं मैं MIUI के बारे में ऐसी वीडियो बनाते रहूँ और सॉफ्टवेयर के बारे में और जितने भी आने वाले जो अपडेट्स रहेंगे उसके बारे में ऐसी वीडियो करूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, लेकिन अगर आप वो नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आ पाएंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।